झूलू तितली बन उड़ू। हाय थके कुप्ता। मायो का सिंगिंग डेब्यू हो रहा है हमारे चैनल पे द मोजे माउथ पे। और अच्छा भारत में तो कितनी मिर्ची डालते हैं। थके कुप्ता। हम बोलते हैं बैम्बू कुप्ता। Guys, it's me, Sonal Kaushal, the Motor Mouth, और आज मेरे साथ है मायो। नमस्ते। नमस्ते। मायो, आप जापान से हो? हाँ जी। और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो? इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन। वाओ। बट ऐसा कैसे? What do you do and how do you know such good Hindi? ठीक है, तो मैंने 4 साल जापानी विश्वविद्यालय में हिंदी सीखी और उसके बाद 1 साल दिल्ली में रह रही थी, तो कुल मिलाकर लगभग 5 साल ठीक से पढ़ाई की और उसके बाद ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ तो कुछ कुछ सीख जाती हूँ। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले सेगमेंट में एक सेगमेंट में मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछने वाली हूँ मायो से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा था कि अरे वो तो बता ही नहीं पाएगी, बट अभी इनकी हिंदी सुन के मुझे लग रहा है कि आई एम गोना लूज द चैलेंज। देखते हैं। इंडिया में तो डोरेमोन के बहुत सारे फैंस हैं। हाँ। डोरेमोन बहुत पॉपुलर है बच्चों में भी बड़ों में भी, बट हाउ इज इट इन जापान? जापान में भी हाँ सब लोग जानते हैं, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो डोरेमोन नहीं जानता, तो उतना डोरेमोन तो काफी फेमस है। हम बोलते हैं डोरेमोन डोरेमोन। हाँ। क्योंकि जब मैं डब भी करती हूँ तो मुझे पता है कि उसको डोरेमोन बोलते हैं सारे कैरेक्टर्स और बोलते हैं दोराचान। हाँ। ऐसा क्यों होता है कि चांद क्यों लगाते हैं? हर चांद लड़की के नेम नाम के बाद लगाते हैं यूजुअली। अच्छा। लेकिन कभी वैसा वो जो बच्चा लड़का होता है जो बहुत ही प्यारा सा है तो हम चांद बाद में लगाते हैं, जैसे मम्मी प्यार से बोलती है ना बेटा बेटा। हाँ, 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 में तो आप सोना और चांद में बोल सकती हो, आप मुझे मायो चांद बोल सकती है। अच्छा, मैंने डोरेमोन को इतना ज्यादा डब किया है ना, तो मुझे जापान के कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। एंड मैंने शो में ही देखा है जैसे नीचे बैठ के खाना और घर में घुसने से पहले अपने शूज बाहर उतारना। तो ये सारा कल्चर काफी मिलता जुलता है इंडियन कल्चर के साथ भी। मिलती जुलती चीजें ये है कि जापान में भी हिंदू भगवान मौजूद है। जापान में बौद्ध धर्म और शिंटोइज्म नामक धर्म मानते हैं। बिल्कुल अलग चीज जैसे कि खाना, भारत में तो कितनी मिर्ची डालते हैं। आराम से खाने दो ना, मैं हमेशा रो रो कर खाती हूँ। मतलब अच्छा है इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पा रही, लेकिन जीभ तो जलता है ना। और मैंने देखा कि आपने पानी पूरी भी खाई हुई है। हाँ हाँ, पानी पूरी भी खाई हुई। वो कैसे लगी आपको? बहुत अच्छा लगता है। वैसे इमली की चटनी जो ज्यादा डाली हुई पानी पूरी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। अच्छा, यू टॉक अबाउट डोरेमोन्स फेवरेट फूड आइटम, यू नो व्हाट इट इज? दोरायाकी। Yeah, it's called dorayaki in Japanese and dora cake in yes. Hindi. Yes, yes. तो बहुत सारे बच्चे जो शायद जापान में जा चुके हैं वो मुझे फोटोज भेजते हैं और मैसेज करते हैं कि जापान में, कि वो बोलते हैं दीदी जापान में एक्चुअली में डोरा केक्स मिलते हैं। इज इट ट्रू? यस, मिलते हैं, मतलब खाते हैं। कैसा होता है टेस्ट? ऊपर और नीचे पैनकेक है, ठीक है। अंदर में स्वीट रेड बीन्स होते हैं, तो स्वीट है लेकिन चॉकलेट जैसा नहीं है। और क्या बताऊं, ये मेरी विश है कि मुझे लाइफ में एक बार डोरा केक खाना। सो गाइस, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने देखा कि मायो कितनी अच्छी हिंदी बोलती है, ऑल दो शी इज फ्रॉम जापान। ऐसे ही बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जो मुझे इंस्टा पे भी DM करते हैं और यूट्यूब पे भी मैसेजेस करते हैं कि उन्हें एक वॉइस आर्टिस्ट बनना है, बट दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ऐप जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आप देख सकते हो पीछे गबरू है एंड ही इज़ हैविंग हिज टाइम, बट लेट मी टेल यू कि जब मैं किसी रिकॉर्डिंग में होती हूँ और मैं कभी कोई वर्ड ठीक से नहीं बोल पाती, उसकी प्रोनंसिएशन मुझे नहीं पता होती, तो मैं भी एल्सा स्पीक से ही हेल्प लेती हूँ। इट इज़ अ वेरी यूनिक ऐप विच हेल्प्स इन पिन पॉइंटिंग योर मिस्टेक्स एंड यू कैन करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन थ्रू दिस ऐप। आप इस ऐप के जरिए बहुत सारे फ्रेजेस भी सीख सकते हो, क्योंकि इस ऐप में है 1600 यानी 1600 से भी ज़्यादा लेसन्स
एंड 40 से भी ज़्यादा टॉपिक्स। इस ऐप में ही आप अपनी एक कम्युनिटी भी बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपनी कलीग्स को ऐड कर सकते हो। और अगर आपको किसी एक वर्ड में, मान लीजिए उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है एंड यू वांट टू नो द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट वर्ड, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। यू नो, एक बार मैं एक वॉइस ओवर कर रही थी एंड मैं एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रही थी, अपनी तरफ से मुझे लगा कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन दे रही हूँ, बट जब तक मुझे डबिंग डायरेक्टर ने नहीं बताया कि उस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, तब तक मुझे यही लगता था बचपन से लेके आज तक कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वही है जो मैं बोलती थी, एंड दैट वर्ड वॉज पोम। आपको पता है हमें बचपन से सिखाया गया कि इट्स अ पोएम, पोएम। तो मैं भी वॉइस ओवर करते वक्त पूरी स्क्रिप्ट में पोएम पोएम पढ़ रही थी, बट एक्चुअली द करेक्ट प्रोनंसिएशन वॉज समथिंग एल्स एंड दैट इज वॉट आई लर्न दैट डे। लेट्स लिसन टू दिस। पेशेंस पेशेंस। सी, इट इज 89% करेक्ट। यू साउंड 89% लाइक अ नेटिव स्पीकर। नाउ इट ऑल्सो हाईलाइट्स कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ आपका प्रोनंसिएशन गलत है। पी इज कलर्ड येलो एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड इज ग्रीन, विच मीन्स ग्रीन पोर्शन इज करेक्ट एंड द येलो पोर्शन इज रॉन्ग। दैट इज वेयर यू हैव टू वर्क टू करेक्ट द प्रोनंसिएशन। वी हैव टू से पेशेंस पेशेंस। ओके, लेट्स ट्राई पेशेंस। 98% correct, yay! So that is how you can also do it. And let's try one more word. Problem solving. Problem solving. Whoa! It says, excellent, you sound 97% like a native speaker. And pura word green hai, jaisa ki aap dekh sakte ho screen pe, which means that my pronunciation was correct. So overall, I highly recommend this app because you can use this app anywhere, any day, anytime, 24/7. This app is available in your hands on your phone. Elsa Speak allows you to practice in the comfort of your home without any embarrassment. With Elsa Speak, anyone can speak English. Now let's go back to Mayo. So guys, अब वक्त है हमारे उस segment का जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बता रही थी, that is हिंदी वर्ड्स के मीनिंग बताना। ठीक है, जो कॉम्पिटिशन है ना, इट्स अ चैलेंज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये चैलेंज हारने ही वाली हूँ। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा सोचा था जब मैं वर्ड्स लिस्ट डाउन कर रही थी, तो मुझे लगा नहीं नहीं थोड़े इजी वर्ड्स रखती हूँ यार, कम ऑन, शी इज अ गेस्ट, तो इतने भी हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। बट आपकी हिंदी सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन द चैलेंज एंड आई वांट यू टू विन बिकॉज यू आर रियली क्यूट। सो द फर्स्ट वर्ड इज ध्वज। मुझे लगा इनको पता होगा। ध्वज, हिंट दे दी, दे दीजिए। ओके, इट रिप्रेजेंट्स एवरी कंट्री। फ्लैग तो नहीं है वो, तो फ्लैग ही है लेकिन जन जन झंडा भी बोलते हैं, झंडा भी बोलते हैं, ध्वज भी बोलते हैं। सो द सेकंड वर्ड इज कारण। कारण 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 की वजह से। Yes, that's right. And your next word is swatantra. Independence. Woo! Very nice. Fourth word is maze. You have to say it. Desk. Desk. A table. Yes. Correct. वो तो किस बुक के सबसे पहला पेज में आता है। Fifth and the last word is वृक्ष। Tree. करेक्ट। तो आपने पांच में से चार वर्ड सही बता दिए और आप ये चैलेंज बहुत ही आसानी से जीत चुके हो। और इसलिए आपको मिलता है छोटा सा ये बताओ, क्या आपको डोरेमोन का सबसे अच्छा गैजेट कौन सा लगता था? गैजेट तो कोदे मो दुआ करना बहुत अच्छा लगता है ना, तो मुझे हाँ, तो सुबह जब आपने उठ के
दुआ खोल के इंडिया पहुंच सको तो बहुत अच्छा है, है ना? तो मैं जब भी मणिपुरी खाने का मन कर रहा है तभी तो आ सकती हूँ ना, वो मुझे चाहिए। कभी भी दरवाजा खोलो, हाँ। इंडिया पहुंच जाओ, पानी पूरी खा के वापस। हाँ। ताके कोफ्ता, हम बोलते हैं बैम्बू कोफ्ता। तो अब एक लास्ट चीज जो हम करने वाले हैं और वो है डोरेमोन का टाइटल ट्रैक। मैंने जापानीज में इतनी बार सुना है तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे याद है। हमें ये टाइटल ट्रैक गाना है एक लाइन जापानीज में, एक लाइन हिंदी में। Oh, that's gonna be fun. Yeah. So are you ready? चीटिंग शीट लेके आते हैं। हाँ, ले लो, ले लो। तो गाइस हम सोच सकते हैं कि मायो का सिंगिंग डेब्यू हो रहा है हमारे चैनल पे द मोजो माउथ पे। सो लेट्स स्टार्ट। यस। जिंदगी सवार दू, एक नई बहार दू, नयु में खो नयु में एक पाई आरुगे दो। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, खुशी न पोत के दिखाना है दिख रे रे आसमान को छू लू, तितली बन उड़ू। हाय थके कुत्ता। मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन, मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन। आप हमारे चैनल पे आए और इतनी मस्ती की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शुद्ध हिंदी में हमारे व्यूअर्स को कह दो टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। एनीवे, तो आज हमारे यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनल का, मेरा, दोनों का यूट्यूब चैनल प्लीज नहीं कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस मायो का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल द मोटर माउथ। बाय बाय।